हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला और आप देख रहे हैं डिजिटल एडवाइस। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक और कंप्यूटर ट्रिक्स, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह हम किसी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं, मतलब हम किस तरह किसी फोल्डर को छिपा सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को छिपा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो स्टेप्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जिस फोल्डर को हाइड करना है वहां तक जाना होगा। मान लीजिए मुझे एफ ड्राइव में कोई फोल्डर है, चलिए एबीसी, इस फोल्डर को छिपाना है कि इस फोल्डर को कोई ना देख सके। तो पहला स्टेप क्या है, वो करेंगे ही करेंगे। पहला स्टेप तो क्लिक किया, राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टी में गए। ठीक है, फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ। जिस भी फोल्डर को हाइड करना है उस पर क्लिक क्लिक किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए और यहां पर ये आपको हिडन दिख रहा होगा। ये देखिए हिडन है, इस पर टिक कर देंगे, बस इतना सा काम करना है। इस पर क्या कर देंगे, हिडन पर टिक कर देंगे और ओके, और ओके। तो हमारा ये फोल्डर क्या हो गया है, देखते हैं भाई हाइड हुआ है कि नहीं, होगा तो क्यों नहीं हुआ, देखिए हो गया है। क्या है, फोल्डर हाइड हो गया है। अच्छा, आपको लगेगा देखना होगा तो कैसे देखेंगे, ठीक है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। और कैसे फिर से छिपाना होगा तो कैसे छिपाएंगे, तो दोनों चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, क्लिक करेंगे फोल्डर पे, राइट क्लिक करेंगे फोल्डर पे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और हिडन पे क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर से अब कंट्रोल पैनल में, विन प्लस आर और कंट्रोल लिख के ओके करेंगे। हमारे कंट्रोल पैनल ओपन होके आ गया है। और कंट्रोल पैनल में कहाँ पे जाएंगे, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस में, और आप 7 चला रहे होंगे तो वहाँ पर लिखा मिलेगा फोल्डर ऑप्शंस। आप विंडो 7 चला रहे होंगे तो वहाँ क्या मिलेगा, फोल्डर ऑप्शंस। विंडो 10 में क्या लिख के आ रहा है, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस। और इसके बाद क्या करेंगे भाई, देखिएगा व्यू में जाएंगे, कहाँ में जाएंगे, व्यू में जाएंगे। देखिए व्यू में गए और यहाँ पर देखिए क्या लगा है भाई, यहाँ पर क्या है, हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। तो यहाँ पर अभी टिक किस पे लगा है, डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स और ड्राइव्स, किस पे टिक लगा है, डोंट शो फाइल्स फोल्डर और ड्राइव्स, मतलब जिस भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी में जाकर हिडन पे टिक लगा है उन फोल्डर और फाइल्स को ना दिखाया जाए। लाइन का मतलब समझ गए, डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर और ड्राइव्स का मतलब ये है कि जिन जिन फोल्डर और फाइल की प्रॉपर्टी में जाके हमने हिडन पे टिक लगा रखा है वो फाइल और फोल्डर ना दिखाई दें, और जब भी हमें देखना होगा तो फिर शो पर क्लिक करेंगे और ओके। क्लियर है, तो चलिए देख लेते हैं वाला फोल्डर अब दिखना चालू हुआ कि नहीं, फिर से देख लेते हैं। ये आए और ये देखिए दिखना फिर से स्टार्ट हो गया। क्लियर है, फिर से छिपाना है तो फिर कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन लिखा है, विंडो 7 में क्या मिलेगा, फोल्डर ऑप्शन मिलेगा। फिर कहाँ गए, व्यू में, फिर हमें छिपाना है तो डोंट शो और ओके। तो फिर देखते हैं चलकर वहाँ पर अब दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए दिखना फिर से एबीसी फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा है। और पहला स्टेप क्या है, करना ही करना है। फिर से मैं पहला स्टेप करके दिखाई दे रहा हूँ आपको, जिस भी फोल्डर को हाइड करना है या फाइल को हाइड करना है उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और हिडन पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद फिर क्या करना होगा, फिर कंट्रोल पैनल में जाएंगे, जब हमें छिपाना होगा तो व्यू में जाके डोंट शो पर क्लिक कर देंगे, किस पे क्लिक कर देंगे, डोंट शो पर, और जब हमें दिखाना होगा तो शो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है भाई, जिस भी फोल्डर या फाइल्स को हमने हाइड किया उसको शो करना होगा तो शो पर, और हाइड करना होगा तो डोंट शो पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ओके।
क्लियर है। तो ये रही आज की ट्रिक, समझ गए होंगे। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।